नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। कल यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा सिविल सेवा 2022 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए गए। रैंक 1, 2, 3 लड़कियों ने प्राप्त किया और लड़कियों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होते जा रहा है। सबसे अधिक इस बार बता दें 34% लड़कियों ने सफलता प्राप्त की है। बिहार के लिए काफ़ी अच्छा उपलब्धि रहा और अभी तक जो सूचनाएं निकल के आ रही है उसके मुताबिक लगभग 35 से 40 के आसपास कैंडिडेट जो हैं जिन्होंने बिहार से सफलता प्राप्त की है। आपको बताएं कि रैंक 1 इशिता किशोर जो हैं वो भी पटना से जुड़ी हुई हैं, बिहार की नतनी हैं वो। उनके पिता विंग कमांडर हैं, उनका देहांत जो है 2004 में हो गया। और सबसे बड़ी बात बता दें, दिल्ली विश्वविद्यालय से जो छात्र हैं उन्होंने सफलता ज़्यादा प्राप्त किया है। इशिता किशोर की बात करें, द्वितीय जो टॉपर हैं गरिमा लोहिया जो कि बक्सर की रहने वाली हैं, उन्होंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ाई किया। और आपको हम बताएं कि 10वें रैंक पर आते हैं राहुल श्रीवास्तव, उन्होंने भी यूपीएससी की परीक्षा में अपने चौथे प्रयास में, और सबसे बड़ी बात बता दें 3 प्रयास में उन्होंने पीटी तक क्वालिफाई नहीं कर पाया और चौथे प्रयास में 10वां रैंक हासिल किया। आपको बता दें कि रिजल्ट राहुल श्रीवास्तव जो हैं लगातार 3 बार पीटी परीक्षा में असफलता मिलने के बाद उन्होंने 10वां रैंक प्राप्त किया है। चितकोहरा पटना के रहने वाले हैं और बता दें आपको कि ये है लगातार तैयारी करते रहे इसको लेकर। और वही इसके बाद जो सबसे अच्छा रैंक आया है वो अविनाश कुमार का है, 17वां रैंक इन्होंने प्राप्त किया है, अररिया के रहने वाले हैं। 2020 से लगातार तैयारी कर रहे हैं और ये जो है इन्होंने आपको बता दें कि 2 प्रयास जो है, पहला जो 2 अटैम्प्ट था ये पीटी भी नहीं निकाल पाए थे और तीसरे अटैम्प्ट में 17वां रैंक इन्होंने प्राप्त किया है। वही आपको बता दें कि अगला जो अच्छा रैंक है बिहार से वो है 24 संदीप कुमार, पहले आईपीएस थे। 2021 में उन्होंने 186 रैंक प्राप्त किया था और इस बार 24वां रैंक प्राप्त किया है, मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। तो बता दें आपको कि काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस है, आईएएस प्रॉपर बनेंगे वो। इसके साथ साथ बता दें कि बक्सर के लिए बड़ा अच्छा ही ये मौका रहा, बक्सर की गरिमा लोहिया ने 2रा स्थान प्राप्त किया। तो वही दीक्षा जो हैं उन्होंने 374वां रैंक प्राप्त किया है, बक्सर की ही रहने वाली हैं और इन्होंने 374वां स्थान प्राप्त किया है। और इसके साथ साथ आपको हम बताएं कि जो रिज़ल्ट जो हैं वो रिज़ल्ट पर हम पूरा अगर ध्यान दें तो यहाँ टॉपरों की लिस्ट जो है वो दिया हुआ है। रैंक 1 पटना से हैं इशिता किशोर, रैंक 2 गरिमा लोहिया वो भी पटना से हैं, राहुल श्रीवास्तव गरिमा लोहिया बक्सर से हैं, राहुल श्रीवास्तव 10वां रैंक है जो कि पटना के रहने वाले हैं, अविनाश कुमार 17 रैंक, संदीप मधुबनी के हैं 24 रैंक, शुभम मधुबनी के हैं इनका 41 रैंक है, तुषार कुमार भागलपुर के रहने वाले हैं 44 रैंक है, आदित्य पांडे पटना के रहने वाले हैं 48 रैंक है, उत्कर्ष उज्ज्वल पटना के रहने वाले हैं इनका 68 रैंक है, निर्मल कुमार सिमरी बख्तियारपुर के रहने वाले हैं 82 रैंक है, प्रिंस कुमार शिवहर के रहने वाले हैं 89 रैंक इन्होंने प्राप्त किया है, मनीष भारद्वाज 114 रैंक लाया है इन्होंने, अनन्या समयर जो हैं वो पटना की हैं 115 रैंक आया है, मयंक माधव 119 रैंक आया है ये भी पटना के रहने वाले हैं, कुमार सुशांत सुपौल के हैं 122वां रैंक प्राप्त किया है इन्होंने, संकेत कुमार दरभंगा के हैं 128 रैंक प्राप्त किया है, प्रीति कुमारी 130 रैंक आया है ये पटना की रहने वाली हैं, हर्ष प्रासर कटिहार के रहने वाले हैं 143 रैंक इन्होंने प्राप्त किया है, आकांक्षा आनंद पटना की रहने वाली हैं 205 रैंक प्राप्त किया है, शशि शर्मा जहानाबाद के रहने वाले हैं 240 रैंक प्राप्त किया इन्होंने, अंकुर कुमार पटना के हैं 257 रैंक इन्होंने प्राप्त किया है, दीक्षा राज बक्सर की हैं 324, अच्छिता निधि भोजपुर की हैं 421, इसके अलावा बता दें आपको आकांक्षा झा हैं 371 रैंक, मधुबनी की रहने वाली हैं, कुमारी सौम्या अरवल की हैं 502 रैंक आया है, राहुल कुमार पटना के हैं 582 रैंक आया है, अपूर्वा रस्तोगी नालंदा की हैं 604 रैंक, प्रेम कुमार औरंगाबाद के हैं 677 रैंक आया है, संदीप कुमार गया के 697 रैंक है, शशांक पांडे आरा के हैं 809 रैंक इन्होंने लाया है। तो आपको बता दें कि बिहार से जो परफॉर्मेंस है
वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। और आपको बता दें कि इस बार देखा गया है कि पहल जो दूसरे तीसरे अटैम्प्ट जो हैं वो दे रहे हैं, उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है और रैंक भी उनका काफ़ी अच्छा आया है। तो समाचार पत्रों में आज इनके बारे में विस्तार से दिया गया है, इनकी पढ़ाई लिखाई डेडिकेशन को लेकर। तो आपको बताएं कि UPSC जो है वो परिश्रम खोजती है, लगातार जूझने की क्षमता खोजती है। बहुत सारे कैंडिडेट पहले अटैम्प्ट में निकाल लेते हैं, पहले अटैम्प्ट में ही परीक्षा देते हैं और उनका काफ़ी अच्छा रैंक भी आ जाता है, लेकिन कुछ छात्रों के साथ ऐसा होता है कि उनको जूझना पड़ता है। लेकिन उसका भी अगर वो ईमानदारी से परिश्रम कर रहे हैं तो उसका फल भी मिलता है। अगर आप देखें 10वां रैंक राहुल श्रीवास्तव, 3 अटैम्प्ट में PT तक नहीं हुआ, ये अपने आप में काफ़ी एक तोड़ने वाला बात है। जब 3 अटैम्प्ट तक वो PT नहीं होता है, आप जनरल सभी लोग जो है मन से टूट जाते हैं और उनका यही लगता है कि मैं UPSC की क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगा, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। लेकिन राहुल ने ये साबित किया कि 4थे अटैम्प्ट में सीधे फाइनल 10वां रैंक, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी उपलब्धि है ये कि सीधे 10वां रैंक प्राप्त करना। कई छात्र ऐसे हैं, अविनाश कुमार 17 रैंक उनका आया है, 2 अटैम्प्ट में उन्होंने भी PT नहीं निकाला लेकिन तीसरे अटैम्प्ट में सीधे 17 रैंक। तो UPSC परिश्रम खोजती है, डेडिकेशन खोजती है और लगातार लगे रहना, जूझते रहना वो खोजती है। और गहन अध्ययन करना, आपको बहुत जगहों से अपना मुंह मोड़ना पड़ता है, अपने आप को केंद्रित करना पड़ता है और बिहार से ये रिजल्ट ये साबित करता है कि बिहार की भूमि जो है काफ़ी उर्वर है और यहाँ पर आप परिश्रम करेंगे, यहाँ के छात्र बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अभी देखें तो अभी तो 30-35 छात्रों का ही लिस्ट अभी तक आ पाया है, लेकिन बहुत ऐसे लगभग 50 कैंडिडेट बिहार से निकाले हुए हैं और टॉप 10 में लगभग 10 से 15 कैंडिडेट हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए, रैंक 1 और रैंक 2 बिहार का होना। लेकिन सबसे बड़ा एक प्रश्न इसमें उठता है कि कितने छात्रों ने बिहार से रह के तैयारी की है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। कितने छात्रों ने बिहार के विश्वविद्यालयों से ग्रेजुएशन किया है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मेरे ख्याल से देखा जाए तो अभी तक जितने लोग हैं उसमें से अधिकतर जो हैं वो बिहार के बाहर के हैं, ज़्यादातर इंजीनियरिंग या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से या दूसरे विश्वविद्यालयों से अपना ग्रेजुएशन पूरा किए हैं, बाहरी तैयारी किए हैं, रहने वाले बिहार के हैं। पिछले साल के रिजल्ट को भी देखा जाए तो उसमें मैक्सिमम लोग बिहार से बाहर ही अपनी पढ़ाई लिखाई किए, हालांकि रहने वाले बिहार के थे। तो बिहार के लिए एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा और शुभकामनाएं हैं सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट को और शुभकामनाएँ उन सभी कैंडिडेट का जिनका 28 मई को PT परीक्षा है। हम आशा करेंगे कि आपका परीक्षा अच्छा जाए और आप अंतिम रूप से चयन हो, अपने घर का, अपने परिवार का, अपने ज़िले का, अपने राज्य का नाम आप रोशन करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।